अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो मैं बोली थी कल स्टूडेंट कि आज से आप लोग का सेमेस्टर वन का जो है वो चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर वन का जो है चैप्टर्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप लोग का जो सिलेबस में है वो ये सब नहीं पढ़ना, ये सब आप पढ़े हुए हैं। सिंपल सा बस इंट्रोडक्शन है, क्या क्या मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सब आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये सब आपका पढ़ा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो आपके सिलेबस में है चैप्टर, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जर्नल जो कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है, फिर जर्नल एंट्री कैसी, ये भी आप पढ़ चुके 11th क्लास में। कैश बुक ये भी आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी मैं आप लोग का सिलेबस है इसलिए यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो ये फोर्थ चैप्टर है ये है जर्नल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आप लोग को पता है कि कौन सा आइटम डेबिट होता है कौन सा आइटम क्रेडिट होता है, जर्नल एंट्री का जो बनाते हैं ना वो। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि आखिर जर्नल एंट्री है क्या। तो ये वर्ड जो है ये जर्नल, देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी दिया होगा, देखिए यहाँ पे है द वर्ड जर्नल हैज बीन डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से, जो कि जर्नल वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से आया गया है, जिसका मतलब फ्रेंच वर्ड में इसका मतलब है जॉर्ज, इसका मतलब होता है एक डायरी। तो जर्नल मतलब होता है एक डायरी, एंट्री मतलब सारे डायरी में हम लोग जो क्या चीज डेबिट हुआ क्या चीज क्रेडिट हुआ इसको जो हम एंट्री करते हैं सिस्टमेटिक वे में, उसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम लोग एंट्री, जर्नल एंट्री आखिर है क्या। ठीक है, तो इसके अब हम लोग एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं जो कि कैसे अब बनेगा, ये सब आपको पता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इससे पहले बहुत बार लेजर जर्नल ये सब बना चुके हैं, मैं फिर भी मैं आप लोग बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जो कि डेट का कॉलम होगा, मंथ या ईयर जैसे जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। फिर यहाँ पार्टिकुलर्स होता है जिसमें नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का नेम क्या है, और नेम टू द अकाउंट किसको दे रहे हैं वो। फिर यहाँ पे नरेशन होता है जो कि एक्सप्लेन करता है ग्रैंड टोटल। और फिर यहाँ पे डेबिट हो गया और ये आप लोग का लेजर फेल्यू है, और यहाँ पे अमाउंट हो गया डेबिट और कौन सा अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है, जितना आइटम डेबिट होगा यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे, जितना आइटम क्रेडिट होगा हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और डेट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जर्नल एंट्री क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है वो समझ में आ गया। तो चलिए अब हमें बताते हैं कि एम क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। तो इसका दो मेन रीजन है, सबसे पहला है कि व्हाट हैज बीन डन, पहला है व्हाट हैज बीन डन, क्या हम लोग किए हैं, एंड व्हाई वाज इट डन, और क्यों किए हैं। ये दोनों को जर्नल एंट्री में हम लोग लिख करके नोट्स करके दिखाते हैं। सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग वेशन मेथड का वो पढ़ेंगे। तो जैसे भी जितना भी एसेट्स आएगा ना, जैसे इसका मतलब हो गया एसेट्स का मतलब दिस अकाउंट आर रिलेटेड टू टैंजिबल एंड रियल एसेट्स ऑफ द बिजनेस का जो भी रियल एसेट्स और इंटेंजिबल जो एसेट्स है वो सब, जैसे कि देखिए टैंजिबल एसेट्स हो गया आपका लैंड अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया आपका गुडविल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी एसेट्स है वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, तो आप लोग को ये पहचानने में दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, जितना भी एसेट्स है अगर वो देखिए एस डेबिट द इंक्रीजेज इन एसेट्स, अगर एसेट्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एसेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है बढ़ रहा है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, और वही एसेट जो है वो अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब घट रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये आपको रूल समझ में आया। जैसे मान लीजिए लैंड दिया तो लैंड अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लैंड अकाउंट लैंड क्या है एक टैंजिबल एसेट से इसलिए वो डेबिट होगा। और मान लीजिए यहाँ पे एसेट्स बढ़ता, ठीक है, कि 2000 का था 5000 हो गया, तो भी हम लोग जो एसेट्स होगा जो भी एसेट्स होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। जब भी डेबिट इंक्रीज होता है तो सॉरी जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो वो डेबिट में जाएगा, और जब एसेट्स जो है वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो अब हम लोग लायबिलिटी के बारे में जानते हैं, लायबिलिटी कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। तो बहुत सारे चलो एसेट्स में डेबिट में भी चल गया क्रेडिट में भी चल गया, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों में कैसे चल गया। तो
यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, देखिए सबसे पहले अगर डेबिट एसेट जो इंक्रीज करेगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, यही एसेट डिक्रीज करेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो इसमें जो लायबिलिटी है इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें जो है द डेबिट द डिक्रीजेज इन लायबिलिटी, इसमें डिक्रीज करता था तो क्रेडिट में जाता था, मगर जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट में जाएगा, और इंक्रीज करेगा लायबिलिटी तो क्रेडिट में जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा है, एसेट्स का मतलब अपोजिट है पूरा। तो अगर आप एसेट्स याद करनी है तो इसका जस्ट अपोजिट लायबिलिटीज हो जाएगा। फिर आपका आता है थर्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, ड्राइंग अकाउंट, जो कि आप खुद अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा करते हैं उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। तो हम लोग डेबिट द इन डिक्रीजेज इन कैपिटल, डेबिट कब होगा कैपिटल, जब वो डिक्रीज करेगा मतलब घटेगा, जैसे कि लायबिलिटी था उसी तरीके से, जब कैपिटल डिक्रीज करेगा तो वो डेबिट में जाएगा और जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। अब यहाँ पे है रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट क्या है, दिस अकाउंट आर द रिलेटेड टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर और परमिटिंग अदर्स टू यूज द रिसोर्स ऑफ द बिजनेस और टू अर्न इनकम, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, या फिर आप जितना भी इंटरेस्ट को रिसीव किया जाता है वो डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा, और या फिर जाएगा डेबिट में तो कब जाएगा, क्रेडिट में जाएगा तो कब जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल से दिखा हुआ, डेबिट द डिक्रीजेज इन इनकम एंड प्रॉफिट, जब इनकम और प्रॉफिट जो घटेगा तो आपका डेबिट जो जो रेवेन्यू है वो डेबिट में जाएगा, जब आपका इनकम या प्रॉफिट जो हो रहा है वो घट रहा है मतलब कम हो रहा है तो आपका जो रेवेन्यू अकाउंट है जैसे कि इंटरेस्ट अकाउंट हो गया वो डेबिट में होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इस टाइप से होगा। अगर यही जो है प्रॉफिट और इनकम जब बढ़ रहा है तो आप ये इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का है एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट में जैसे कि हम लोग पैसा पेड करते हैं, वेजेस देते हैं, मान लेबर को वेजेस देते हैं, या फिर आग में आपका लॉस हो गया या फिर कुछ भी, तो उसमें आपका जो लॉसेस जो है वो एक्सपेंसेस जो है बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब एक्सपेंस जब घटेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो समझ में आ गया आपको, पांच रूल था, पहले एसेट था, लायबिलिटी था, कैपिटल अकाउंट था, फिर हम लोग का रेवेन्यू अकाउंट था, फिर हम लोग का एक्सपेंस अकाउंट था, तो कब कब डेबिट में जाएगा और कब क्रेडिट में जाएगा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर चुकी हूँ। फिर व्हाट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का एम क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, और कौन सा ये अकाउंट किस में डेबिट में जाएगा, कब कब क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो मैं पे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो है वो बताने देना चाहती हूँ आप लोग को। पहला यहाँ पे बोल रहा है, मान लीजिए स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस को बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ जो कि 50,000 रुपया है, तो आप क्या करिएगा, कैश जो है वो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है आप पे 50,000 रुपया, ठीक है। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो मैं क्या बताई थी कि वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे कैश अकाउंट डेबिट 50,000, देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रोप्रिटियर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब भी गेन होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ये डेबिट होगा। तो ये सब जो जर्नल है ये सब को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है। बाकी और जो है सेल परचेज या फिर रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब तो आपको बताना ही है, मगर ये सब इंपॉर्टेंट कुछ है, इसको आप समझ लीजिए या फिर अच्छे से याद कर लीजिए या समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, इसके बाद जब इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिर कैपिटल अकाउंट होगा। लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक से जब लोन लिया जाएगा तो कैश अकाउंट टू जो भी बैंक है, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कैनरा बैंक, और भी बहुत सारे बैंक है, आरबीआई बैंक, उससे आपका यहाँ पे नाम होगा, मगर जो लोन लिया जा रहा है मतलब आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट जो है डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट फोर हम लोग का है, लोन गिवन टू सोहन, जब लोन दिया जाएगा तब क्या होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए, और जो जिसको दे रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पॉइंट फाइव, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन, लोन पे हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं तो
हम लोग का डेबिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो एसेट्स जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। यहाँ पे छठा इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है लोन पे, तो हम लोग का ये जो इंटरेस्ट है चार्ज कर रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है। इज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अक्रम, ठीक है, गुड्स जो है खरीदा जा रहा है, परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। दिया हुआ गुड प्राउड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय पेइंग वैल्यू पेड पार्सल फॉर 790 रुपीज, द एम्प्लॉय पेड 10 रुपीज टू ऑन 3-व्हीलर फेयर, ठीक है। तो गुड खरीदा जा रहा है जो कि 790 का है, इसमें एम्प्लॉय 10 रुपया खर्च कर रहा है 3-व्हीलर फेयर पे, 3-व्हीलर फेयर पे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फिर कार्टेज अकाउंट जो कि 10 रुपया खर्चा किया है वो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है, बाकी परचेज अकाउंट डेबिट होता है और ये कार्टेज अकाउंट भी डेबिट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट एंट्री है हमारा सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक 40,000। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे अशोक को भेजा जा रहा है टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे रमेश पेड ऑन एडवांस ऑफ 30,000 टुगेदर विद एन ऑर्डर 250,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड। यहाँ पे आपका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट, एडवांस में पैसा दिया जा रहा है, तो हम लोग के लिए एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है वो डेबिट हो जाता है। गुड वैल्यू 50,000 रुपया सप्लाई टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर अमाउंट टू एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव कर लिया जा रहा है पैसा। यहाँ पे गुड परचेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुड सप्लाई हो रहा है मतलब सेल किया जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट सबसे पहले हम लोग को लिख देंगे क्रेडिट, उसके बाद रमेश को कितना दिया जा रहा है 20,000 रुपया, एडवांस में यहाँ पे 30,000 दिया जा रहा है, तो बैलेंसिंग बचेगा तो कितना होगा 20,000 रुपया। इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन वन में बोला 30,000 रुपया वो पहले एडवांस पेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एडवांस पेड पहले लिखिए टेल सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है फिर एडवांस 30,000 का, फिर जो बैलेंस फिगर है वो रमेश अकाउंट 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कैश रिसीव फ्रॉम हेमू जो कि 4,990 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट टू 10%, कैश रिसीव कर रही है हेमू मतलब पैसा आ रहा है उसमें, और उसके बाद एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 10%, उसको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एसेट्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जितना कि इतना डेबिट हो रहा है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी इसको फायदा हो रहा है, एंड टू हेमू किसको मिल रहा है, हेमू को मिल रहा है, एक लिए बैलेंस फिगर हो गया। तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, आप नरेशन हर में जर्नल एंट्री जब भी बनाएगा तो आप नरेशन डेट और ये सब जो छोटे छोटे भी चीजें वो सब भी मार्क किया जाता है, तो आप ये सब को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। टू डेबिट फॉर 9,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 100 रुपीज का, तो उसमें अलाउ हो रहा था मतलब आ रहा था, यहाँ पे रिसीव्ड किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कैश जो है वो पेड किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज नहीं कर रहा वो डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब भी एसेट्स जो है डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, उसके डिस्काउंट जो है वो मिल नहीं रहा है, उसको डिस्काउंट रिसीव किया जा रहा है मतलब उसको दिया जा रहा है, तो इससे पैसा दिया जा रहा है, तो ये भी जो है एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, और जो बैलेंस फिगर है किससे और से दिया जा रहा है, डेबिट पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 10,000 डेबिट करके डेबिट कर देंगे। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेंस ऑन एक्सपेंस मेड ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, जो कि एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है मशीन के इंस्टॉलमेंट को पैसे देने में 1,000 रुपया इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और मशीन का काम हो रहा है ये डेबिट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,500, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग एक एसेट्स है, मैं बताई थी इससे पहले, एसेट्स जब भी डिक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट होगा, आप इसको दिमाग में डाल लीजिए, और एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखिए एसेट्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, सॉरी फिर नेक्स्ट है हम लोग का लॉस ऑफ गुड्स बाई 5,200, गुड लॉस हो रहा है ये तो साफ साफ पता चल रहा है, तो हम लोग का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज लॉस बाई 5 अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा। फिर नेक्स्ट है आपका गुड्स सोल्ड
स्टोलन अवे बाय एन एम्प्लॉय 5,000, जो कि परचेज अकाउंट व्हाट इज जर्नल एंट्री, आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा आई होप। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में है कुछ और इसके इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज है वो बताऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करूंगी। ये सब आप पढ़ लीजिए तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगी।